तो YouTube पे अब जितने भी लोग आ रहे हैं ना, वो सब बिल्कुल ऐसे साउंड करते हैं जैसे कोई कोठी बंगले वाले हैं, साला कोई ओरिजिनल है ही नहीं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इस वीडियो के साथ साथ फ्यूचर में जितनी भी मेरी एक्सप्लेनेशन की वीडियोज आने वाली हैं, वो सभी आएंगी देसी और देहाती भाषा में। वैसे मैं हूँ NCR का, फरीदाबाद से, और आपको तो पता होगा कि यहाँ पे कैसी लैंग्वेज बोली जाती है, रफ एंड टफ। अगर आपको सच में अगर वो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। रहता चलो भाई, बिना काई देरी के अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें। तो हमारी मूवी शुरू हो गई। मूवी की स्टार्टिंग में हम मैंडी नाम की एक छोरिया देखें, जाकी जो ना की वो बिल्कुल ऐसी कि डोरेमोन में जो सुनियो आवे वाके मोह जैसी। अब भाई शहर के लोगों ने वो छोरी इतनी ज्यादा दुखी कर रखी, बाकी नाक है लेके इतना ज्यादा आप ताने मारे करे कि छोरी बहुत ज्यादा दुखी। या बेचारी मैंडी है, बचपन से ही इतनी ज्यादा हेट देखने को मिली कि कोई भी या बेचारे प्यार ही ना करे करो। अब एक दिन हम देखे कि मैंडी के ऑफिस वाले लोग मैंडी है एक कैफे में बुला में, वहां पे इन लोगों की एक पार्टी चल रही हो गए। अब मैंडी भी पार्टी में आवे। अब मैंडी की थूत की जो नाक ही वो इतनी ज्यादा बिगड़ी पड़ी कि वह देख के कैफे में जितने भी लोग है वे सब वह देख के हंसने लगे। यहाँ तक कि वह के ऑफिस का जो स्टाफ है वो भी वह देख के हंसे। अब वहां पे वह एक ड्रिंक सर्व करी जावे, वो ड्रिंक छोटे गिलास में ही, और वह छोटे गिलास में मैंडी अपनी नाक थे वह पी ना सके, तो एक बड़ा गिलास के नहीं कहवे। अब वहां पे कैफे वाले वह मना कर दे, और वह बेचारी छोरी की जो नाक ही वह को मजाक उड़ाने लगे। अब यहाँ पे मैंडी कैसे कैसे करके तो वह शराब है पी रही। अब पीछे थे वह की बॉस जाको नाम कैट हो, वो आ जावे और मैंडी धक्का दे देवे, जाते जो जितनी भी दार हुई मैंडी के ऊपर गिर जावे। अब मैंडिया कभी कभार तो ये सब चीज मजाक लगाई, लेकिन कभी कभार वो रोन भी लगाई। और सुन लो रे, मैं अपने व्यूअरन ते कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कहीं भी कोई ऐसा बच्चा या लड़की या लड़का मिला तो कभी भी का या बॉडी शेम मत करियो, बहुत गलत बात रह। अब एक बात हम देखें कि मैंडी अपने रूम पे आ जावे जहाँ पे बाकी एक रूम पार्टनर रह। मैंडी यू सबरी बात वाह बतावे, पर यहाँ पे वो रूम पार्टनर भी मैंडी को मजाक उड़ावे और वाते कहे अगर तो है अपनी जो कैट बॉस है वाते तो इतनी चिड़े तो बाकी नौकरी क्यों कर रही है, बाकी नौकरी छोड़ दे। और उसकी नौकरी पर रिजाइन करने के लिए मैंडी जावे कंपनी में, पर उसकी जो बॉस होती है कैट वो यहाँ पे उसे भगा देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें अपनी कंपनी से नहीं निकाल सकती। और साथ साथ वो मैंडी की बेइज्जती भी करती है। वो मैंडी से कहवे कि जा मेरी ने कॉफ़ी लेके आ। अब मैंडी जब कॉफ़ी लेके जा रही रहे जो कैट हो गए वो मैंडिया फिरते चिड़ान लगा। अब हमें यहाँ पे एक भूंडी सी शक्ल का ठरकी आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम स्टीव होता है। स्टीव मन ही मन में मैंडिया पसंद करेगा, लेकिन मैंडिया ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंडिया पता ही नहीं कि स्टीव वह पसंद भी करे। अब मैंडी वापस अपने घर पर चली जावे जहाँ पर जो बाकी रूम पार्टनर रहे वो फिरते वह इन सब बातन के बारे में बतावे, पर बाकी रूम पार्टनर इन सब बातन पर ध्यान ना देवे और वो मैंडी की बातन पर ध्यान ना देते हुए वह इग्नोर भी कर दे। अब मैंडी वापस अपने रूम में जाके अपने बेड पर औंधो मुंह करके सो जावे। वैसे मैंडी सो ना रही, रो रही, क्योंकि अब यार कोई आदमी का ये चिढ़ाएगा तो वो अगला रोएगा ही, और वो भी वह की बॉडी शेमिंग करके। तो भाई अब कुछ दिन बीत जामे और हमारी छोरी मैंडी में जोश आ जावे और वो कहे कि भाई अब तो मैं अपनी सर्जरी करवा के ही रहूंगी। पर भाई सर्जरी हो वह बहुत ज्यादा महंगी, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी है तो महंगी तो होगी। अब उसके पास इतने पैसे नहीं होते। वो अपनी रूम पार्टनर से कहवे कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो बाकी रूम पार्टनर कहवे भाई मेरे पास भी पैसा नहीं है। तो वो उसे एक आदमी के बारे में बताती है जाको नाम रॉबर्ट हो गए। अब हमें पता पड़े कि भाई रॉबर्ट जो आदमी है कतई बहुत बड़ा गंजहेड़ी है, नशेड़ी है, सूखे नशे कर है। हम लोग देखते हैं पर वाह को जो तरीका हो काम करने का बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो, क्योंकि वाह ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी करी एक भी फेल ना गई। अब क्योंकि हमारा गंजहेड़ी रॉबर्ट कम पैसा ले हुए हो तो मैंडी भी मान जावे अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए। और रात को जब मैंडी रॉबर्ट के पास अपनी सर्जरी करवाने को जावे तो सबसे पहले हमारा गंजहेड़ी रॉबर्ट एक सुट्टा फूंकता है, क्योंकि गांजे के बिना तो भाई के हाथ ही ना चलने वाले। अब जैसा जैसा सुट्टा पीवे है वो तो धीरे धीरे बाकी सर्जरी भी करने लगे, पर तभी हम देखें कि यहाँ पे दो गुंडा आ जावे। अब उन गुंडान को आने को कारण यूँ हो कि यहाँ पर नशे करने की वजह से रॉबर्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा आ गया और वो कर्जा है ना इन गुंडान ते लियो। अब रॉबर्ट वह कर्जा पटाने के लिए उनते थोड़े बहुत रुपया दे दे, पर भाई वे गुंडा उन थोड़े बहुत रुपया अंत कहाँ मानने वाले। तो यही मारा है उनमें से एक गुंडा तो भाई रॉबर्ट पकड़ ले वे और एक गुंडा यहाँ पे मैंडी के पास चले जावे। वो एक हथियार उठा ले वे जाते वो करने वाला मैंडी की सर्जरी। अब भाई मैंडी तो बेचारे यहाँ पे अपनी सर्जरी करवाना ये एक डॉक्टर थे, पर यहाँ पे गुंडा वागी सर्जरी कर रहा हो। यहाँ पे हम देखे हैं कि वो गुंडा मैंडी की नाक ही काट ले हुए और वो नाक अब रॉबर्ट पकड़ा जावे। अब यहाँ पे ये सब करने के बाद वे दोनों गुंडा वहाँ से चले जाम रह का बेकसूर छोरिया मार के तो मैं कोई अपने पैसा थोड़ी मिल जाते। अब यहाँ के बाद हम देखे हैं वे गुंडा वहाँ से चले जाम। बेचारी मैंडी तो यहाँ पर सर्जरी करवाना है और वह के साथ यहाँ पे क्या क्या होगा। हम देखे हैं कि डॉक्टर लगा कि भाई अब पुलिस आ जाएगी और मेरे ऊपर खतरा मंडरा जाएगा।
जाके बाद डॉक्टर अपना पैकअप कर ले वे, अपने सारे लत्ता कपड़ा बांध के वहां ते निकल जावे। बेचारी मेंढी वहीं पड़ी रहे, 4 दिन हो जावे, 4 दिन के बाद मेंढी आवे होश। मेंढी की आँख खुले और देखे कि भाई यहाँ पर तो डॉक्टर है ना। वो डॉक्टर आवाज मारा है कि डॉक्टर रॉबर्ट, अरे कहाँ चला गो डॉक्टर रॉबर्ट। बेचारा वापस में हो ही ना, वो निकल जा भग जा वहाँ से। अब मेंढी जैसी आके अपने शीशा में नाक देखे, वो बेचारी घबरा जावे क्योंकि वहाँ की नाक कटी पड़ी। वो अपनी नाक पर पट्टी बांधा और वहाँ से निकलने लगे हेल्प मांगने के लिए। तो भाई यू फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट या तो भी ज़्यादा धमाकेदार है क्योंकि वहाँ मैं सबसे ज़्यादा स्लैशर सीन। और सेकंड पार्ट को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जल्दी से जाकर देख लो। और कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर इसी लैंग्वेज में बनाऊँ या फिर अपनी पहले वाली लैंग्वेज में। तो चलो फिर मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में।